हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के सेशन में लास्ट हमने कर लिया था 30 जून तक का कर लिया था, तो आज हम लोग जुलाई का करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। तो आज हम अपने वीकली करंट अफेयर्स में करेंगे 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का करंट अफेयर्स, 1 जुलाई से 7 जुलाई तक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो वीकली करंट अफेयर्स हम बनाते हैं इसीलिए कि जो वीक के वीक आप अपना जो करंट अफेयर्स हैं उसको रिवाइज कर सकें, ताकि बाद में जब आप मैगजीन पढ़ें तो आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली बनाया ये 1 से लेकर 15 जुलाई तक का था, बट मैंने इसको 2 सेक्टर में डिवाइड कर लिया है ना। तो जैसे हम पोर्शन बाय चलते हैं कि पहले इंटरनेशनल कर लिया फिर नेशनल कर लिया, तो हम उसी वे में चलेंगे। तो हम इसको 1 जुलाई से 7 जुलाई का ही मान के करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में एक कंट्री है, उसने अपने यहाँ पे जो प्लास्टिक बैग हैं उनको कंप्लीट बैन कर दिया कि भाई प्लास्टिक बैग हमारे कंट्री में अब नहीं चलेंगे, सुपरमार्केट वगैरह वगैरह से सबसे बंद कर दिया। सिर्फ प्लास्टिक बैग बैन नहीं किए, जो प्लास्टिक की हेल्प से बनने वाले बैग हैं जिनको इको फ्रेंडली बैग भी कभी कभी कहा जाता है, वो भी बैन कर दिए। आर्ग्यूमेंट ये है कि तो क्या हुआ, प्लास्टिक का यूज़ तो इनमें होता ही है ना। ठीक है, तो कौन सा कंट्री है वो जिसने हाल ही में प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग को बैन कर दिया है? हाल ही में कौन सा कंट्री, कौन सा देश देश प्लास्टिक बैग को बैन करने वाला वाला पहला कंट्री बन गया है, पहला देश देश बन गया है, बन गया है। ठीक है, और ये जो देश है इसका नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड पहला देश बना है जिसने अपने यहाँ पे जो प्लास्टिक बैग हैं उनको कम्प्लीटली बैन कर दिया है। ठीक है, प्लास्टिक प्रोड्यूस बैग, प्लास्टिक से बनने वाले जो बैग हैं उनको भी बंद कर दिया है। ठीक है, तो चाहे वो इको फ्रेंडली के नाम पे हो चाहे किसी नाम पे भी हो, हर तरह के जो प्लास्टिक बैन हैं बैग हैं जो बैन कर दिए गए हैं। ठीक है, SCO के बारे में सुना है क्या आपने? SCO, SCO इसकी फुल फॉर्म है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये 8 कंट्रीज का एक ग्रुप है, 8 कंट्रीज हैं इसमें, इंडिया भी एक मेंबर है इसका, है ना। तो 8 कंट्रीज का ग्रुप है जिसको बनाया गया था कब, 2001 में बनाया गया था, 2001 में बनाया गया था। तो अभी हाल ही में इस SCO में एक नया मेंबर ऐड किया गया है। ठीक है, जिससे मेंबर की जो संख्या है वो बढ़ के 9 हो गई है। तो किस कंट्री को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाया गया है? ठीक है, हाल ही में किस देश को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO की सदस्यता
प्रदान की गई है, की गई है, की गई है। प्रदान की गई है तो वो कंट्री कौन सा है? ईरान। ईरान को हाल ही में क्या दिया गया है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पूर्ण रूपेण सदस्य बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिहाज से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि आपने देखा होगा जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं वो हमारे देश में आती हैं और अपनी जो एम्बेसीज बनाती हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर एम्बेसी कहाँ पाई जाती हैं? दिल्ली में पाई जाती हैं। ठीक है, जब देश बहुत बड़ा होता है तो जो दूसरी कंट्रियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि एक देश में एक तो मेन एम्बेसी बना देती हैं, उसके अलावा कौंसलेट खोल देती हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोल देती हैं। जैसे भारत एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो जैसे मान लो भारत से लेते हैं कि यूएसए एक बहुत बड़ा कंट्री है, तो हमने अपनी जो एम्बेसी है अमेरिका में, मेन एम्बेसी, वो हमने बनाई है वाशिंगटन डीसी में। जो कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की कैपिटल है वहाँ पे है। इसके अलावा अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है। अब मान लो कोई पर्सन है इंडियन, है ना, वो सैन फ्रांसिस्को में रहता है। ठीक है, अब उसको इंडिया आना है तो उसको वीज़ा रिक्वेस्ट करने के लिए बार बार कहाँ आना पड़ेगा? वाशिंगटन डीसी, यानी कि हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके सैन फ्रांसिस्को से कहाँ आना पड़ेगा? इंडिया आना पड़ेगा, सॉरी वाशिंगटन डीसी आना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने क्या किया है? सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया जैसी जगहों पर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, यानी कि मिनी एम्बेसी हैं, या फिर कह सकते हैं कौंसुलेट हैं, वो खोल के रखे हैं, ताकि जो सैन फ्रांसिस्को का आदमी है ना, पर्सन है, उसको सैन फ्रांसिस्को में ही वीज़ा फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, उसको बहुत दूर जाके चल के जाके वाशिंगटन डीसी ना जाना पड़े। ठीक है, तो ऐसे ही एक कंट्री ने भी डिसाइड किया है कि वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है वो ओपन करने जा रहा है। ठीक है, हमारे मुंबई में। ठीक है, दिल्ली में तो है ही, दिल्ली के अलावा मुंबई में भी एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है ओपन खोलने जा रहा है। तो क्या नाम है उस कंट्री का? हाल ही में किस देश ने मुंबई में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की घोषणा की है? घोषणा की है तो ये जो कंट्री है ये है ताइवान। याद रखेंगे, ताइवान ने डिसाइड किया है कि भाई वो मुंबई में खोलेगा अपना एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, तो अभी लास्ट ईयर रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू हो गई, जंग शुरू हो गई। तो रसिया का जो अपोज करने वाले कंट्री थे, जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे थे, तो यूएसए और वेस्ट के जो कंट्री हैं, है ना, वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्री हैं, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अचानक से कुछ इंसिडेंट हुए कि एकदम से रशिया में लोगों के काम, जो फ़ोन थे ना, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो रसिया में थोड़ा पैनिक मचा, बट वहाँ डिक्टेटरशिप है तो इस वजह से चीज़ों को कंट्रोल कर लिया गया। बाद में पता चला कि जो फ़ोन है ना, रशियन जो फ़ोन है वो काम कर रहे थे एंड्रॉयड और
iOS पर। हमारे यहाँ भी एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, iOS होता है, है ना, एप्पल में iOS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, और जो नॉर्मल ओप्पो वीवो या फिर सैमसंग के फ़ोन हैं ये एंड्रॉयड पर काम करते हैं। तो एंड्रॉयड और iOS क्या है, ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप ऐसे समझ सकते हो जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर चलाने के लिए आपको सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको माइक्रोसॉफ्ट विंडो कहा जाता है, ठीक है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बिना जो आपका कंप्यूटर है वो कोई काम नहीं करेगा। सेम ऐसे ही एंड्रॉयड और iOS के बिना आपका कोई भी मोबाइल जो है काम नहीं करेगा। और सेम केस हुआ रशिया में कि एंड्रॉयड और iOS पे काम कर रहे थे सारे फ़ोन, और एकदम से सारे फ़ोन्स ने काम करना बंद कर दिया। बाद में पता चला कि अपडेट जो एंड्रॉयड आता ना आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट, iOS में सॉफ्टवेयर अपडेट, वो अपडेट आना बंद हो गए, और अपडेट आना बंद हो गए इस वजह से क्या हुआ, फ़ोन ने काम करना बंद कर दिया, ठीक है। हमारे यहाँ भी हमारे फ़ोन्स में भी क्या आते हैं अपडेट के, वो आते हैं, है ना, तो फ़ोन क्या होता है अपडेट हो जाता है कभी तो चलता रहता है, ठीक है, जब हम नहीं करते तो ऑटो अपडेट हो जाता है, ठीक है। अगर फ़ोन अपडेट नहीं होगा, आपका एंड्रॉयड अपडेट नहीं होगा, iOS अपडेट नहीं होगा, आपका जो सॉफ्टवेयर है वो डेड हो जाएगा और फ़ोन आपका काम करना बंद कर देगा। यानी कि आपने फ़ोन परचेज कर लिया, उसके बाद भी फ़ोन आपके कब्जे में नहीं है, किसी और के कब्जे में है, ठीक है, एंड्रॉयड के कब्जे में, iOS के कब्जे में है, ठीक है। अगर मान लो एंड्रॉयड डिसाइड कर ले कि मेरे फ़ोन में आज से वो अपडेट नहीं भेजेगी, तो थोड़े दिन बाद जो मेरा सॉफ्टवेयर है वो डेड हो जाएगा, मेरा फ़ोन काम करना बंद कर देगा, है ना। तो क्या हुआ कि सेम हुआ रशिया में, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS जो कंपनियां हैं वो USA की कंपनियां हैं, ठीक है। तो रशिया ने मतलब एंड्रॉयड iOS को कहा कि इनके फ़ोन बंद कर दो, ज़रा अपडेट भेजना बंद कर दो, जब फ़ोन बंद हो जाएंगे तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो अफवाह जल्दी से फैलेगी, और अफवाह फैलेगी तो रशिया के अंदर सिविल वॉर हो सकता था, ठीक है। अब ये इंसिडेंट बहुत सारे कंट्रीज जैसे हमारा इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनके लिए क्या था, एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। उन्होंने इंडिया ने भी सोचा कि भाई कल को हमारे साथ लड़ाई हो गई यूएसए की, और यूएसए ने ऐसा किया तो रशिया में पॉपुलेशन 16 करोड़ है, उन्होंने तो निपट लिया, हमारे 150 करोड़ लोग हैं, ठीक है, बिना सोचे समझे अफवाह फैलने में टूट पड़ेंगे लोगों पे। और हमारे यहाँ फ़ोन सबसे ज़्यादा नीड बन गया है ना, आमतौर पर जैसे आप कहीं ट्यूशन वगैरह या स्कूल वगैरह जाते होंगे तो आपके पापा आपको दो बार फ़ोन करके पूछते होंगे कि बेटा कहाँ पहुँचे, है ना, खास करके बच्चियों से, लड़कियों से, है ना, कहाँ पहुँची, कितने देर में आ रही हो, है ना, तो कितना पैनिक क्रिएट हो जाएगा अगर फ़ोन ना हो, है ना, फ़ोन आपका काम करना बंद कर दे, ठीक है। तो इसी को देखते हुए सारी जो कंट्रीज हैं अपने वो अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और अपने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो चाइना ने भी सोचा कि भाई कल को हमारी चाइना यूएसए से लड़ाई हो गई और उसने हमारे जो फ़ोन लैपटॉप वगैरह हैं, कंप्यूटर वगैरह हैं, ठीक है, विंडोज वगैरह के थ्रू जो चलते हैं उस पर ही लॉक लगवा दिया और उन्होंने काम करना बंद कर दिया। तो इसी को देखते हुए चाइना ने डेवलप किया है अपना एक नया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जैसा, ठीक है। तो क्या नाम है इस माइक्रो चाइनीज कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, हाल ही में चीन द्वारा विकसित कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या नाम है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, इस सिस्टम का नाम है ओपन क्लीन, ओपन क्लीन, ठीक है, याद रखेंगे इसको, हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे इसके, ओपन क्लीन, ओपन क्लीन, ओपन क्लीन, ठीक है, ओपन क्लीन डेवलप किया है चाइना ने, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हाल ही में एक कंट्री है वेस्टर्न यूरोप में, रशिया के बिल्कुल पास में, रशिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे, जिसका नाम है लाटविया, ठीक है। अभी ये जो कंट्री है 1991 में जब USSR टूटा था उससे टूट के अलग हुआ था और एक नया कंट्री बना था, तो अभी हाल ही में यहाँ पे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन हुए और लाटविया को मिला एक नया प्रेसिडेंट, इन प्रेसिडेंट का नाम क्या है,
ठीक है, इन प्रेसिडेंट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रेसिडेंट यूरोप के पहले गे प्रेसिडेंट हैं, गे मतलब समलैंगिक, है ना, समलैंगिक प्रेसिडेंट है। तो क्या नाम है इनका? हाल ही में किस व्यक्ति को लाटविया का नया राष्ट्रपति चुना गया है? चुना गया है और इनका नाम है एडगर रिंके विक। एडगर रिंके विक को चुना गया है नया प्रेसिडेंट लाटविया का। और ये है यूरोपियन यूरोपियन देश के पहले समलैंगिक यानी कि गे राष्ट्रपति, गे राष्ट्रपति, ठीक है। लाटविया के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। लाटविया जो है इसकी राजधानी जो क्या है, रीगा है, ठीक है। और कहाँ पर है ये? पश्चिम यूरोप में है। एंड पश्चिम यूरोप में है। इसके अलावा ये 1991 में USSR से अलग होकर नया देश बना। ये लोग करंट के साथ आपकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी स्ट्रांग हो गई, ठीक है। तो एडगर रिंकेविक हैं, इनको बनाया गया लाटविया का नया राष्ट्रपति, है ना। और लाटविया की राजधानी क्या है? रीगा। पश्चिम यूरोप में है। 1991 में USSR से अलग होकर ये नया देश बना था, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट। अभी हाल ही में एक कंट्री ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट किया कि चलो रुपए में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इंडिया ने कहा ठीक है रुपए में ट्रेड कर लेते हैं। तो अभी ये ट्रेड स्टार्ट हो गया है। तो किस कंट्री ने हाल ही में इंडिया के साथ रुपए में ट्रेड स्टार्ट किया है? क्या नाम है उस कंट्री का? हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रुपए में व्यापार शुरू किया है, ठीक है। कौन सा देश है वो? उस देश का नाम है बांग्लादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट।
ठीक है, अभी जो जुलाई के महीने में ही है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी दो देशों की विजिट पर गए, ठीक है, तो क्या नाम है उन दो देशों का, किन दो देशों की यात्रा करी, ठीक है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन दो देशों की यात्रा की, ब्रैकेट में लिख दो जुलाई माह में, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जुलाई में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो कहाँ घूमने गए थे। तो दो कंट्री की विजिट करी इन्होंने, एक कंट्री जिसका नाम है फ्रांस, ठीक है, और दूसरा कंट्री क्या है, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको UAE भी बोला जाता है, ठीक है। इन दो देशों की यात्रा करी इन्होंने। तो फ्रांस कहाँ पे है, फ्रांस किस महाद्वीप में है फ्रांस, तो फ्रांस है यूरोप महाद्वीप में, और संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात करें तो ये किस महाद्वीप में है, ये है एशिया महाद्वीप में, ठीक है। राजधानी की अगर बात करें, राजधानी, तो इसकी राजधानी, फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात की, फ्रांस की राजधानी पेरिस, और फ्रांस कहाँ है, यूरोप में है, संयुक्त अरब अमीरात कहाँ पे है, आपका एशिया में है, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको नोट करिए, चलिए नेक्स्ट। तो पावर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, पावर प्लांट आपका जो फोन चार्ज हो रहा है, ठीक है, बिजली से हो रहा है, पंखा चल रहा है बिजली से चल रहा है, लाइट चल रही है बिजली से चल रही है ना, तो जहाँ बिजली बनती है उसी को पावर प्लांट कहते हैं। अब ये बिजली बनती कैसे है, इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे, तो इसे बनाने के तीन तरीके हैं, ठीक है, जो बहुत ही पूरी दुनिया में वाइडली यूज होते हैं। पहला तरीका है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, कोयले को इग्नाइट करके, ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करो, जिसको थर्मल पावर प्लांट कहा जाता है। उसके अलावा फिर होता है आपका हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें क्या है, पानी को टरबाइन पे गिरा के बिजली बनाई जाती है, तो उसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं। एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम डालकर क्या होता है, चेन रिएक्शन शुरू करी जाती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो हाइड्रो पावर और थर्मल पावर में तो हम बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हैं, ये पावर प्लांट हम खुद से बनाते हैं, ठीक है, और खुद ही बिजली प्रोड्यूस करते हैं। बट न्यूक्लियर पावर प्लांट की जब बात आती है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है हमें, कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, ऐसे थोड़े ना यूरेनियम लेके आओ और जला दो, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जो अब यूरेनियम से जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन जो शुरू होता है उसको कंट्रोल करता है, मतलब उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में हमें चाहिए होता है। तो ये काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, काफ़ी टिपिकल टेक्नोलॉजी है, इस वजह से हम इसको यूज नहीं कर पाते, बना नहीं पाते। तो अभी खैर इंडिया ने इस बैरिकेड को भी तोड़ दिया है, और इंडिया ने बनाया है अपना पहला मेड इन इंडिया न्यूक्लियर रिएक्टर, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कैपेसिटी है वो 700 मेगावाट है, और इसको एस्टेब्लिश किया गया है एक जगह पर, ठीक है,
एक्चुअली एक पावर प्लांट में ही इसको लगा दिया गया है न्यूक्लियर रिएक्टर को, और उस पावर प्लांट का नाम है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, हाल ही में विकसित स्वदेशी न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिएक्टर को भारत के किस न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाया गया है। ठीक है, तो इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को लगाया गया है काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, और ये काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, तो हमारा जो स्वदेशी न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 700 मेगावाट की है। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को याद रखना है, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट में लगाया गया है और 700 मेगावाट इसकी क्या है, कैपेसिटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, एकलव्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एकलव्य। एकलव्य क्या है, एकलव्य के बारे में हमने सुना होगा, है ना, द्रोणाचार्य के शिष्य थे, मतलब डायरेक्ट शिष्य नहीं थे, उनसे छुप छुप कर विद्या सीखते थे, तो द्रोणाचार्य ने क्या किया था, उनसे अंगूठा मांग लिया था उसका, है ना, तो उन्हीं से इंस्पायर है ये एकलव्य, छुप कर विद्या सीखने वाली, है ना। तो एकलव्य NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू ऐसे पर्सन, ठीक है, जो नॉन लॉ बैकग्राउंड के हैं, जिनकी डिग्री लॉ में नहीं है और वो वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेशन और रिसर्च प्रोग्राम है ये एकलव्य, किसके द्वारा शुरू किया गया है, NLU दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेंगे, एकलव्य के बारे में, यह राष्ट्रीय, ठीक है, लॉ मतलब विधान, राष्ट्रीय विधान विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है, दिल्ली द्वारा शुरू किया गया एक रिसर्च एवं सर्टिफिकेशन कोर्स है ठीक है, यह गैर विधान यानी कि लॉ गैर विधान क्षेत्रों से आने वाले लोगों
को कानून की शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेगा। ठीक है, तो कैसा प्रोग्राम है? एकलव्य प्रोग्राम राष्ट्रीय विधान विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU बोला जाता है। NLU दिल्ली द्वारा शुरू किया गया एक रिसर्च एंड सर्टिफिकेशन कोर्स है। ठीक है, इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जो गैर कानूनी है ना, गैर विधान क्षेत्रों से आने वाले यानी कि BSc करके आ रहे हैं, BA करके आ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कानून की जो शिक्षा प्रदान करने का है कार्य करने वाला है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार आप। चलें, चलिए नेक्स्ट। तो RBI, RBI के बारे में हमने सबने सुना होगा। RBI का है ना, भारतीय रिजर्व बैंक है ना। क्या काम है इसका? बैंकों की निगरानी करना है ना, बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण। नियंत्रण, बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण, बैंक भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का नियमन एवं नियंत्रण कैसे करता है ये नियंत्रण? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा RBI की भाई, जारी करेगा एक एडवाइजरी कि भाई देखो, डू एंड डोंट्स बता देगा कि ये करना है और ये नहीं करना है, तो बैंक उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई बैंक उसको फॉलो नहीं करता है तो RBI क्या करेगा? ठीक है, चेतावनी देगा कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हम एक्शन ले सकते हैं आपके खिलाफ। अगर बैंक चेतावनी देने के बाद भी वो काम करते रहता है, ठीक है, तो RBI कहेगा कि चलो तुम्हारा कुछ दिन के लिए लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, यानी कुछ दिन आप बैंकिंग वाले काम आप नहीं कर पाओगे, तो वो बात हो जाती है। फिर अब बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने के बाद, सस्पेंड होने के बाद, जब फिर बैंक अपना काम शुरू करता है और RBI देखता है फिर वही गलती कर रहा है, ठीक है, तो RBI क्या करता है, उसका लाइसेंस उठाकर कैंसिल कर देता है परमानेंटली, यानी कि वो बैंक ख़त्म कर देता है। ठीक है, बैंक का जो पूरा बोर्ड है हटा दिया जाता है, RBI कंट्रोल कर लेता है जाके। ठीक है, तो अभी हाल ही में बार बार समझाने के बाद भी एक बैंक नहीं सुधरा, तो RBI ने एक उस बैंक का क्या कर दिया, लाइसेंस कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो क्या नाम है उस बैंक का जिसका RBI ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया? हाल ही में RBI द्वारा किस बैंक का लाइसेंस कैंसिल, निरस्त कर दिया गया। इस बैंक का नाम है, महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक इसने लाइसेंस को कैंसिल कर दिया। महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक के लाइसेंस को हाल ही में कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक, हाल ही में किस पर्सन को SBI का नया
चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर डिक्लेयर किया गया, बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में किस व्यक्ति को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है कामेश्वर राव कोदवंती। कामेश्वर राव कोदवंती, ठीक है। किस व्यक्ति को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नया CFO नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है कामेश्वर राव कोदवंती, ठीक है। तो चलो इसको नोट कर लो एक बार आप। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, है ना। और मैं देखता हूँ अभी कुछ दिन में, अभी तो ये हमारे वीडियो लेक्चर चल रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि आपको मंथ का, जब एक मंथ का करंट अफेयर्स पूरा हो जाया करेगा, तो एक MCQ रखा करेंगे लगभग 30-40-50 क्वेश्चंस का, है ना, और आपसे सॉल्व करवाया जाएगा उनको। बाद में हम लोग उसका डिटेल्ड एनालिसिस किया करेंगे, है ना। मैं खुद यहाँ बैठ के डिटेल एनालिसिस किया करूँगा वीडियो पे, है ना, कि कैसे किस क्वेश्चन का आंसर क्या था और किस क्वेश्चन का आंसर क्यों क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच बनेगी, ठीक है। लेकिन आप जो क्विज है उसको करने से पहले, सबसे पहले इन वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखें। वीडियोज़ को आप ध्यान से देखेंगे, क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, तभी आप क्विज को क्या कर पाएंगे, अटेंड कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्विज को नहीं अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। तो क्विज को अटेंड करने अगर आपको करना है बहुत अच्छे से, अगर आप ऑनेस्टली या सिंसियरली करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इन वीडियोज़ को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। मेरी कोशिश रहती है, हम यहाँ सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम इसके साथ थोड़ी थोड़ी बहुत GK भी कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बता रहा था कि भाई लाटविया की जो राजधानी है वो क्या है, रीगा है। लाटविया किस कंट्री, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वेस्टर्न एशिया में पड़ता है, कैसे बना, 1991 में USSR से अलग होकर बना। ऐसे ही अभी हमने जब RBI डिस्कस किया, तो RBI के बारे में बताया कि RBI का काम क्या है, बैंकों का नियंत्रण एवं नियमन करना, है ना। तो कैसे नियंत्रण और नियमन करती है, है ना, कैसे चेतावनी दी जाती है, कैसे लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता है और कैसे लाइसेंस को निरस्त किया जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ये सिर्फ करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं है, ये आपको जनरल नॉलेज का भी एक विजन देते हैं, है ना। तो जनरल नॉलेज भी आपकी साथ ही साथ जो है कवर होती जा रही है धीरे धीरे, है ना। तो आप इन वीडियोज़ को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिए, है ना। और अगर लक्ष्य को पाना है, ठीक है, अगर लक्ष्य को पाना है, तो लक्ष्य को पाने के लिए आपको जो चीज़ चाहिए, है ना, तो वो ना तो टैलेंट है, है ना, कि कोई जन्म से टैलेंटेड, अरे वो तो जन्म से टैलेंटेड है, वो कर लेता है, मैं वीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है, है ना। टैलेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। पैसों की, हाँ पैसों की आज के टाइम पर ज़रूरत है, बट पैसे भी सेकेंडरी हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे सारे, मतलब अगर पैसे से ही सफलता मिल रही होती तो सारे पैसे वाले आज सरकारी नौकरियों में होते ना, है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि पैसे वाले लोग सरकारी नौकरियों में आज के टाइम पे, ठीक है। तो ना पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, और ना लग्जरी की ज़रूरत है कि नहीं कमरे में AC चाहिए, है ना, कूलर लगा होना चाहिए, लैपटॉप रखा होना चाहिए, अलेक्सा होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा लग्जरी की भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
सफलता के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी कंटिन्यूटी। आप कंटिन्यूटी में लेक्चर देखिए, ठीक है, आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।